वो देखते ही देखते तुम्हारा भाई युधिष्ठिर लेकर आ गया है एक और नई जबरदस्त और अमेजिंग वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और जिसने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, फटाफट कर लो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो प्रेस, ताकि नए अपडेट तुम्हें यार मिलता रहे, नहीं मिलेगा तो तुम्हारा ही नुकसान है। बाकी भाई आज की वीडियो का जो कारण है वो बता देता हूँ कि आज की वीडियो हम किस स्पेशल पर्सन के लिए बना रहे हैं। तो उनका नाम है टेक्निकल प्रतीक गेमिंग। उन्होंने कल हमें कमेंट किया था, भाई क्विक मैच में स्कोर चेंज कैसे करें, वीडियो बनाओ प्लीज़। तो हम उनकी डिमांड पर ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ मैं आज की, स्कोर कैसे चेंज करें आप क्विक मैच में। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बता दूंगा। बाकी मैं इनके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे लूँगा, तो इनको फॉलो करो जाके। तो चलो भाई मैं अपनी होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। सबसे पहले आपको एक क्विक मैच लगाना है, मैं क्विक मैच लगा के दिखा रहा हूँ। क्विक मैच लगाया मैंने, और क्विक मैच लगाने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिया। इंडिया में दो चीज़ें दिखाई होंगी, माई प्रेजेंट और कंट्री प्रेजेंट। माई प्रेजेंट यानी जो प्लेयर मैंने अपनी प्लेइंग 11 में ले रखे वो, और कंट्री जो अभी कंट्री के लिए खेलते हैं वो, यानी कंट्री प्रेजेंट WCC3 द्वारा दी गई हुई और माई प्रेजेंट मैंने खुद बनाई है। तो एक तो आप यहाँ से स्कोर चेंज कर सकते हो, कंट्री प्रेजेंट पे क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा और माई प्रेजेंट पे क्लिक करोगे वो आ जाएगा। बस इसमें ये नुकसान है भाई कि तुम है ना इंटरनल प्लेयर्स चेंज नहीं कर सकते, यानी रोहित की जगह कोहली, कोहली की जगह रोहित, ऐसे नहीं कर सकते। सिर्फ आप कंट्री और माई कर सकते हो। अब इसका भी मैं बताता हूँ रीजन। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आ जाना है बैक, पूरा बैक कर दो, अभी गेम स्टार्ट मत करना। बाहर आने के बाद आपको जाना है अपने मैनेज स्कोर में, मैनेज स्कोर पे क्लिक किया। मैनेज स्कोर पे क्लिक करने के बाद आपको चेंज स्कोर पे क्लिक करना है, जो आपको राइट हैंड बॉटम में दिखाई दे रहा होगा चेंज स्कोर, रेस्ट ऑफ द स्कोर के साइड में चेंज स्कोर। चेंज स्कोर पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको कोई भी चेंज, जैसे मैं समीक की जगह चेंज कर रहा हूँ अश्विन को, समीक की जगह मैंने अश्विन को चेंज कर दिया। एक और चेंज करके दिखा देता हूँ, समीक की जगह मैंने अर्नव को चेंज कर दिया है, मैंने स्कोर को अपडेट कर दिया, अर्नव समीक की जगह और समीक की जगह अश्विन। अब मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार दोबारा, हम प्रूफ के लिए चलते हैं। क्विक प्ले पे गया मैं, क्विक प्ले पे मैंने फिर से एक मैच लगाया और फिर से अब मेरी प्लेइंग 11 देखना। अब मेरी प्लेइंग 11 में चेंज देखो, अश्विन और अर्नव दोनों आ चुके हैं, समी और वो चले गए हैं। तो भाई आपको स्कोर ऐसे ही चेंज करनी है क्विक मैच में, आपको क्विक मैच में अपनी टीम की स्कोर ऐसे ही चेंज करनी है, जो आपकी प्लेइंग 11 है ना आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आप गेम स्टार्ट करते वक्त चेंज नहीं कर सकते हो, आपको बाहर से ही चेंज करके आना पड़ेगा, ठीक है, ये बात आई समझ में। चलो तो गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, भाई ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मैं लाता रहूँगा आप लोगों की डिमांड पर। तो चलो फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ।